नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट के बारे में। एक खबर निकल कर आ रही है एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर, तो आज की कुछ अपडेट हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा के जो एग्ज़ाम आपके हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी दो अपडेट निकल कर आई हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेकर। जो एग्ज़ाम करवाता है, मतलब जिन कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, वो टेंडर देखने को मिला है कि टेंडर पास होने वाला है, तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि टेंडर को स्वीकृति जल्दी मिलने वाली है और टेंडर को लेकर ही खबर है, जिससे आपका एग्ज़ाम डेट या कह सकते हैं परीक्षा होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो गाइस देखिए, जुलाई से आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, मतलब हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो धीरे धीरे एक एक करके होंगे। और अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ आपका, अगस्त में हो सकता है इसका एग्ज़ाम। ओके गाइस, अगस्त में किसी भी दिन, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर टाइम की बात करें तो 40 से 50 दिन आपके पास, 45 दिन तक का समय है। उस समय में आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट, नीचे कमेंट कीजिए, और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक का नाम भी लिख दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।